विदिशा जिले की सरौंज में बिना हाथ पैर के एक शिशु का जन्म हुआ है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। दरअसल सरौंज के ग्राम सांकला में सिर्फ सर और धड़ के साथ एक बच्ची का जन्म हुआ है, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर। बता दें कि ग्राम सांकला में रहने वाले सोनू नामक व्यक्ति के घर बच्ची का जन्म हुआ है, जो कि पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन बच्ची का जन्म बिना हाथ और पैर के हुआ है। डॉक्टर राहुल के अनुसार यह जन्मजात विकृति है, जो कि ट्रेटा अमेलिया बीमारी के कारण हो सकती है। बहरहाल बच्ची के जन्म के बाद से ही फोटो वायरल होना शुरू हो चुके हैं, जिसे कोई बीमारी की शक्ल में देखा जा रहा है। सिरौंज से प्रदीप प्रजापति की रिपोर्ट। सर एक ये बच्चा हुआ यहाँ पर जिसके हाथ और पैर नहीं थे, ये कौन सी बीमारी थी? क्या ये ट्राइपॉड एमिलिया बोलते हैं इसको, इसमें लाखों में से एक को होती है, जिसमें बच्चे के हाथ और पैर नहीं आते। अब बच्चे का भोपाल के लिए रेफर किया जाएगा, जिसमें उसकी प्रॉपर जांच होगी कि बच्चे को और भी कोई जन्मजात विकृति अंदर तो बॉडी के अंदर तो नहीं, जैसे लिवर किडनी उसकी डेवलपमेंट है कि नहीं, ताकि बच्चे की जान में खतरा ना हो सके। अब तक ऐसे कितने मामले देखने में आए? मेरे संग मेरे टाइम पे तो मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, लगी लाखों में एक का केस निकलता है। ये शुरुआत में जब बच्चे का रहता है माँ का, तो कुछ मतलब दवाओं की वजह से या इसकी वजह से नहीं, खाने की वजह से इस टाइप का कुछ होता है कि नहीं? जन्मजात विकृति है, क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक डिसऑर्डर। न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।